आकांक्षा सचिन, आकांक्षा सचिन, रुको जरा, सब्र करो। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कल से कि आकांक्षा और सचिन का कॉन्ट्रोवर्सी, आकांक्षा और सचिन का कॉन्ट्रोवर्सी। तो फ्रेंड्स, जल्दी का काम शैतान का होता है, मेरी नानी कहा करती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले मैं पूरा R&D कर दूं, यानी कि रिसर्च अच्छे से अपने एंड पे कर दूं। बाकी देखिए, रिसर्च मेरी रहेगी लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं, इसकी मैं पूरी आज़ादी देती हूं। लेकिन कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, यानी कि रिस्पेक्टफुल सेटिंग मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा ऑन रहती है। तो अगर आप लोग डिसरिस्पेक्ट वाले कोई भी कमेंट करेंगे तो वो हो सकता है कि ऑटो डिलीट हो जाए। तो इसीलिए कमेंट्स करने से पहले अपनी भाषा का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि आप में से अभी तक बहुत लोगों ने दोनों का ही वीडियो देख लिया होगा। हालांकि सचिन जी का वीडियो देखते देखते ना मुझे इतनी बोरियत आ गई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली इतना लंबा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले इसी बात का जवाब देना कि इतनी लंबी पिक्चर देख के आप लोग बोर होते हुए नहीं? कोई भी एक घंटे की पिक्चर पूरी नहीं देख सकता है, खासकर वो यूट्यूब की कॉन्ट्रोवर्सी की पिक्चर, इसीलिए स्किप कर करके देखना पड़ता है। मैंने पहली वाली वीडियो में भी अनुरोध किया है कि भैया लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन मैक्सिमम 20-25 मिनट, कृपया करके इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाया कीजिए। तो चलिए फटाफट से आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए मैं अपना एक रिएक्शन वीडियो देने आ गई हूँ दोनों ही व्लॉगर के ऊपर। कुछ लोग स्पेशली मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आईडीज, कुछ फैंस, कि मैम प्लीज़ सचिन जी का साथ दीजिए, प्लीज़ सचिन जी का साथ दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका साथ देने के लिए उनके पास उनकी यूट्यूब की फ्रेंड्स की पूरी अच्छी खासी एक कुंबा है, बोला जाए उनकी भाषा में तो क्या है, खेमा है। जब उनके खेमे के लोग आके ही उनके लिए स्टैंड या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो रिएक्शन वाले अगर किसी पे सपोर्ट करने लगे ना, तो फिर ये हो जाएगा, हमारी काम पे बात आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट नहीं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं, वो भी व्लॉगिंग के बेस पे, जो वीडियो में बोला गया उसके बेस पे। तो मैं अपनी उन जनता को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती जो मेरे से उम्मीद करती है कि मैं एक लॉयल और एक अनबायस्ड रिएक्शन दूँ, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि सचिन जी का साथ दो। मैं सच का साथ दूंगी, जो वीडियो में दिखाया जाएगा, जो प्रूफ्स आएंगे, जिन प्रूफ से मैं अपने आप को कन्विंस कर पाऊँ, मैं उन्हीं पे बात करूंगी और उसी का आपकी सरल भाषा में साथ दूंगी। तो कल क्यों मजबूरी में, मजबूरी बोलूंगी, क्यों बोलूंगी ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, क्यों और किस मजबूरी में आके कल आकांक्षा को फाइनली अपना मुंह खोलना पड़ा। क्योंकि अगर आकांक्षा सरिता जी की इतनी खास, उनके खेमे की सबसे ज़्यादा करीब रहने वाली दोस्त थी, तो शायद वो डे वन से सरिता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ रही होती। लेकिन इस खेमे में जो झगड़ा था वो सिर्फ दो लोगों के बीच का था, बाकी किसी का भी नियर डियर करीबी इस कॉन्ट्रोवर्सी से दूर 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 और बहुत दूर रहना चाहता था। लेकिन फिर भी जाने अनजाने पर पसली उनको लाया गया, लाया जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत लोग इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हुए नज़र भी आए। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आने वाले 3-4-5-7 दिनों में आपको इस कॉन्ट्रोवर्सी में खेमे के हर टीम मेंबर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आकांक्षा का कोई भी मोटिव नहीं था ये वीडियो बनाने का, वो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब सचिन जी के चैनल पर रिसर्च किया तो मुझे सचिन जी के चैनल पर ऐसी पोकिंग वीडियोस देखने को मिली, जो मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी। आज से 2 हफ्ते पहले, आज से 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, और हो सकता है इसमें से बहुत सारी मैंने मिस भी करी हूँ। कम्युनिटी पे कम्युनिटी, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेमा टीम, दोस्त, सहेली, ये वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आप टाइटल देख लीजिए, जाके एक बार चेकआउट करना। हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, ये सब पोकिंग चल रही थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिस पे होता है वो इंसान समझ जाता है, हो सकता है आप और मैं उस टॉन्ट को ना समझ पाएं, लेकिन जिसके लिए वो टॉन्ट होता है उस इंसान को समझने में मिनट और चुटकी
मुश्किल भी नहीं लगती, वो तुरंत समझ जाता है। उसके बाद जब आकांक्षा ने अपना वीडियो बनाया तो आकांक्षा ने सिर्फ इन लोगों को यही तो बोला था कि मेरे लिए वो इनविजिबल हैं, मतलब मैं उन्हें अपनी इग्नोर लिस्ट में रख चुकी हूँ। क्या इसके अलावा आकांक्षा ने कोई भी शब्द ऊपर या कोई भी शब्द नीचे बोला था? लेकिन उसके इस स्टेटमेंट के बदले में, कम्युनिटी पोस्ट में क्या पोस्ट होता है? एक क्रिएटर जिसको शायद मेरी वजह से पहचान मिली, लोग मेरी वजह से जाने यूट्यूब पे और मेरी पार्टी में ही अपनी जान पहचान बनाई, लिंक बनाया और भविष्य बताने के नाम पे लोगों से दोस्ती की। वो अपनी वीडियो में यह कह रही है कि मुझे इग्नोर किया, हरकत और करतूत का पता लग गया था। वो लोग बात है, वो अलग बात है कि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, इसीलिए मैं, खैर कोई बात नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, धन्य हो ऐसी मानसिकता, माता रानी तुमको सुबुद्धि दे। पहली बात तो यार, हर घूम फिर के अपने इस लड़ाई झगड़े वाले चीज़ों में काहे को भगवान को बीच में ले आते हो और किस मुँह से ले आते हो? भगवान हमेशा स्वच्छ और पवित्र जगह पर रहना पसंद करते हैं, उनको लड़ाई झगड़ों में घुसाने के लिए या उनके अप्रूवल को या उनको स्टेक पे रख के अपने आप को सच्चा प्रूव करना छोड़ दो। भगवान को उनके पवित्र स्थान पे, अच्छी सुंदर जगह पे रहने दीजिए। इस YouTube के झगड़े में उनको प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि मत लाइए, ठीक है? उसके बाद सिर्फ इग्नोर वाली स्टेटमेंट पे जो सचिन जी ने ये कम्युनिटी छापी, ये वाकई में एक गलत कम्युनिटी थी। सचिन जी बहुत एजुकेटेड हैं, आई थिंक मेरे को कल ही परसों ही पता चला कि वो टीचर भी हैं। एक शिक्षक के मुंह से ऐसे शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, वाकई में शोभा नहीं देते, क्योंकि आपकी बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जो इंसान चीज़ें करता है ना वो कभी दिखाता नहीं है। बोलते हैं ना, श्री कृष्ण जी कह के गए हैं, माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं आप, हर बात पे भगवान जी का नाम बीच में लाते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने ही कहा है गीता के उपदेश में कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर नेकी करने के बाद आपको उस नेकी को अपने टिप्स पर गिनाना पड़ जाए तो वो नेकी नहीं है। लेकिन आपकी एक नहीं, ऐसी आपके चैनल पे 50 वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आप बार बार ये चीज़ का डंका बजाते हो, मेरी वजह से इसको मैंने ये किया, इसकी मैंने यहाँ हेल्प की, वहाँ हेल्प करी, ऐसा करा वैसा करा। इतने सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे हैं जो इस हाथ से देते हैं और इस हाथ को पता भी चलने नहीं देते, इस हाथ से करते हैं उस हाथ को पता भी चलने नहीं देते। ऐसे होती है मदद, मदद कभी भी गिनवाई नहीं जाती। खैर, ये ज़्यादा उपदेश हो जाएगा। तो इस कम्युनिटी पोस्ट के बदले में आकांक्षा का वहाँ से रिएक्शन आया, क्योंकि यहाँ पे बात वाकई में उसके प्रोफेशन की आ गई थी। हम घर पे हाउस हेल्प की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा हाउस हेल्प जो हमारे लिए काम करता है हम उसके काम की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनके बिना शायद बहुत सारी घर गृहस्थी चल ही ना पाए। तो यहाँ पे तो एस्ट्रोलॉजी की बात थी और एस्ट्रोलॉजी जिसके ऐप को खुद मैंने इन लोगों को प्रमोट करते हुए देखा है। दैट मीन्स कि अगर आपकी नज़र में एस्ट्रोलॉजी एक तंत्र विद्या है तो आप क्या ऑडियंस को तंत्र विद्या के लिए प्रमोट कर रहे हैं? दैट मीन्स कि जिन जिन चीज़ों का आप प्रमोशन करते हैं उन चीज़ों को आप खुद फॉलो नहीं करते या उन चीज़ों की आप खुद पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी मिलियन की जनता के लिए आप उसको प्रमोट करते हैं, तो आप इसका मतलब कि गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। कौन आपकी प्रमोशन चीज़ में आज के बाद बिलीव करेगा? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आई थिंक आपने भी प्रमोट करी है और मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हुए देखा है, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी इक्वल्स टू तंत्र विद्या। अब मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ, जस्ट अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा जिसमें भिकारण, तंत्र विद्या, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग है। इतना टाइम यूट्यूब में देने के बाद भी आपको पता नहीं चला कि यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है। अपने शब्दों से ही आप सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं और अपने शब्दों की वजह से ही आप सामने वाले को अपने से दूर कर सकते हैं, जिसका जीता जागता नमूना है सरिता जी खुद, कि अगर उन्हें भी शब्दों का ढंग से प्रयोग करने आता तो शायद आज उनको घमंडी ऐसा वैसा नहीं बोला जाता। तो आप भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप भी उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले साला और कमीना वर्ड आपको इंसल्ट लगी थी, जो कि थी भी,
तो आज आप एक लड़की को, एक औरत को भिकारन और तंत्र विद्या बोल रहे हैं, अब इस चीज़ की आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? गुस्से में हो गया? अच्छा अच्छा उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, ये कमेंट लगा भी दूंगी, जहाँ पे सब्सक्राइबर का ये दावा है कि हमेशा से आपकी कॉन्ट्रोवर्सियाँ हमेशा लेडीज़ से होती हैं, कभी किसी आदमी से मैन टू मैन आपका फ़ाइट नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्या ये सच है? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स एज सच फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो आपके रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनका ये बोलना और मानना है कि आप कंट्रोवर्सी में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और अधिकतर कंट्रोवर्सियां आपकी फ़ीमेल से ही होती हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं लगता कि औरतों से जीतना आसान है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वार कर दो किसी ना किसी चीज़ पे, सॉफ्ट दिल की होती है बेचारी, ज़्यादा से ज़्यादा रोएंगी चिल्लाएंगी, कुछ तो कर पाएंगी नहीं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है भी, अगर कोई भी ऐसा सोचता है तो प्लीज़ मत सोचिए, आज की डेट में कोई भी औरत कमज़ोर नहीं है, एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लेना तो बहुत अच्छे से जानती है, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे सचिन जी को सपोर्ट करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए ऑन व्हाट बेसिस। मैंने इनको आगे अपनी बहुत सारी वीडियोस में सपोर्ट किया है पहले, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये कहीं ना कहीं सही दिखे, लेकिन इस वक्त मैं अगर दूरबीन लेके भी ढूंढूँ ना तो मुझे ये सही नहीं दिख रहे हैं, सही करते हुए नहीं दिख रहे हैं, सही लिखते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? अब अगर किसी को पोक कर ही दिया है तो आकांक्षा का भी रिएक्शन आना जायज़ था, अगर उसे ये रिएक्शन पहले देना होता या कंट्रोवर्सी करनी होती तो वो भी शायद इन 2-3 हफ्तों का इंतज़ार नहीं करती। जिस दिन पहले दिन ही, यानी कि आज से 2-3 हफ्ते पहले पहला टोंट मारा गया था, शायद आकांक्षा उसी दिन फट जाती और उसी दिन सामने आके बोल देती, लेकिन एक इंसान की सहन शक्ति और इग्नोर करने की भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट क्रॉस हुई और उसने आके जो उसके अंदर का था निकाल दिया। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सृष्टि जी ने निकाला 6 महीने पुरानी बात का, जिस बात का ना सर था ना पैर था। क्यों? क्योंकि वो नाम सचिन जी द्वारा उनकी वीडियो में लिया गया। अब नाम लिया गया तो ऑडियंस को तो क्यूरियोसिटी होगी ना, क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था, जिसका आके उन्होंने भी अपनी 6 महीने की फ्रस्ट्रेशन एक दिन में आके निकाल दी। वैसे ही आकांक्षा के साथ हुआ, पिछले 2-3 हफ्तों से जब वो दूर रहना चाह रही है, दूर रहना चाह रही है, तो बार बार उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली पोक किया जा रहा है, तो उसके बाद आके उसने अपने बारे में बताया, लेकिन उसने स्टैंड लिया अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के लिए कंसर्न थी। किसी इंसान का वाकई में अगर किसी चीज़ से रोज़ी रोटी चलती है और आप सोशल मीडिया पर 1 मिलियन की फॉलोइंग आपकी होने वाली है, तो आप उसको डिफेम कर रहे हो, उसके काम को डिफेम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी को डिफेम कर रहे हो। दैट मीन्स कि जितनी भी एस्ट्रोलॉजी वालों की इनकम चलती है, लोग उन पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक में एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है, टेरो कार्ड रीडर्स को बुलाया जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ से लेकर गांव देहात के लोग भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन स्टार्स में कौन बिलीव नहीं करता? क्या आप लोग अपने घर की पूजा पाठ में कभी ग्रह नहीं पूजवाते? क्या आपको हमारे इंडिया के, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में नहीं पता, ग्रहों के बारे में नहीं पता? 9 ग्रह कभी पूजाते नहीं हो? लेकिन अगर इनको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं भी था तो वो अपने अंदर रखनी चाहिए थी ना, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके किसी के प्रोफेशन पे क्यों बोल दिया? वेल, बात यहाँ पे भी वाइंड अप करने की थी, लेकिन मैंने कल का जब वीडियो देखा तो उसमें तो इन्होंने उनके प्रोफेशन से, यानी कि पर्सनल चीज़ों को भी टारगेट कर दिया, लाइक कि वो कैसे कॉल पे बात करते हैं, कितने मिनट के कितने पैसे देते हैं, कितने कितने मिनट की कितनी चीज़ें चलती हैं। तो शायद वो बहुत कम लोग होंगे जिनको इस बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल होंगे, सर्विस काज इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, काम काज करते होंगे, उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब आप किसी से काउंसलिंग लेते हो तो आपके हर मिनट का आपको पैसा मिलता है। अब यहाँ पे पैसा मिलता है, पहले ज़माने में दक्षिणा के रूप में कुछ मिलती थी, लेकिन ज्ञान मुफ्त का नहीं तब भी दिया जाता था, है ना। अगर हमारे पास कोई चीज़ का टैलेंट है और हम अपना वो टैलेंट फोकट में दे रहे हैं, तो फिर हम अपने घर को, अपने परिवार को पालेंगे कैसे? आप भी एक एक चीज़ का जब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हो, उस स्क्रिप्ट के बाद आप उस पर काम करते हो और उसके पैसे भी लेते हो, तो वो भी अगर अपने काम के पैसे लेते हैं, यहाँ पे आके आपको उसके उस काम के बारे में आके इतना डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आपने एक नहीं, आपने 2 बार गलतियाँ करी।
कम्युनिटी छाप के गलती करी, और दूसरी बात कि वो लोग कॉल पे बात करते हैं, इतने मिनट के इतने पैसे मिलते हैं, ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, वो उनके घर की पर्सनल चीज़ें थी जो शायद उन्होंने भी अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी। मुझे इस वीडियो के बाद ही जानने को मिला कि आकांक्षा एक एस्ट्रोलॉजर है, मुझे इस वीडियो के बाद ही जानने को मिला। तो अगर उनको अपना एस्ट्रोलॉजी का ये काम इतना ज़्यादा पॉपुलर करना होता, रोकड़ा इससे कमाना होता, तो शायद वो अपने हर व्लॉग में ये बताती मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और शायद सब्सक्राइबर में से कम भी 10-20 हज़ार लोग तो उसके पास काउंसलिंग के लिए चले ही जाते, जिससे वो अच्छा खासा हर सेकंड के हिसाब से पैसा कमा सकती थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करा जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को आप में से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया। तो वहाँ पे आकांक्षा का जो बस्ट आउट होना था, इट वॉज नेचुरल एंड समवेयर राइट। जब आपके किसी काम पे बात आती है तो आप एग्रेसिवली उस चीज़ का स्टैंड लेते हो, राइट? तो यहाँ पे मुझे कल का दोनों का वीडियो और व्लॉग देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे आकांक्षा का बस्ट आउट होना जायज़ था। लेकिन अब घमंडी जो सरिता जी को इतने टाइम से लोग बोलते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस घमंडी तरीके से बातचीत करने का माहौल और अंदाज़ अपना लिया है सचिन जी ने। एक तरफ इन्होंने हर क्रिएटर के ऊपर जिम्मेदारी अपनी लगा दी कि मेरी जिम्मेदारी से इतने सारे क्रिएटर्स को जो है वो मौका मिला, पहचान मिली, उठ बैठ हुई, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि वाकई में सचिन जी एक इतने पॉपुलर फेस हैं कि ये जिसको चाहे ग्रो करवा सकते हैं और जिसको चाहे डिग्रेड कर सकते हैं। तो इशू से जब ये मिलने गए तो इशू के चैनल पे कितने व्यूज़ आए, और जब ये इशू से मिलके वापस लौट आए तो उसके बाद इशू के चैनल पे अब कितने व्यूज़ हैं। तो अगर आपके फेस की इतनी तगड़ी वैल्यू है तो उसका बेनिफिट, वो आग अभी तक इशू के चैनल पे क्यों नहीं लग पा रही है? ये एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है ना। उसके बाद अगर मैं इनके चैनल की पॉपुलर वीडियोज़ देख लूँ और मैंने कंपेरिज़न किया, अगर मैं आकांक्षा के चैनल की पॉपुलर वीडियोस देख लूं, तो इनके चैनल की लॉन्ग वीडियो में भी आकांक्षा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। आकांक्षा की पॉपुलर 7 वीडियोस देख लेना आप, उसके कंपैरिजन में इनके चैनल का देख लेना कि क्या व्यूज़ की हालत है। 6 साल पहले के 10 मिलियन व्यूज़ और 2-2.5 साल पहले के 1-3 मिलियन व्यूज़, यहाँ से डिफरेंस समझ में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी मेहनत को आप अपना नाम दे दो, आप सामने वाले को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं 1 या 2 व्लॉग के लिए, आपकी प्रेजेंस से प्लस सामने वाले की प्रेजेंस से ऐड ऑन होके एक अच्छा खासा नंबर बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी हर मेहनत का क्रेडिट खुद जो है वो हजम कर जाएं, ऐसा नहीं होता। जब आप भी किसी से मिलते हो तो आपके व्यूज़ प्लस सामने वाले के व्यूज़ जॉइंट होते हैं, तो उसमें आपको भी एक अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो इसमें फ़ायदा किसी एक का नहीं होता है, गेट टुगेदर में, मीटअप्स में कभी भी किसी एक का फायदा नहीं होता है, दोनों का फायदा होता है, दोनों को पहचान मिलती है, दोनों के सब्सक्राइबर एक्सचेंज होते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइबर से याद आया कि आकांक्षा ने तो डंके की चोट पे ये चैलेंज दे दिया है, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतने गट्स थे कि उसने ये साफ बोला कि अगर सामने वाले की वीडियो की वजह से या प्रमोशन की वजह से आप लोग मुझे देखते हो तो आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मैं 0 से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए भी ना करेज चाहिए। इंसान या अपनी शुरू करते हुए एंड करते हुए हर बार हाथ जोड़ के कहता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, लेकिन उस बंदी ने कल सिर्फ क्योंकि उसके प्रोफेशन पे बात आई थी उसने डंके की चोट पे ये बोल दिया कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी के सब्सक्राइबर मेरे पास आए हैं तो मुझे अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर लो, मैं 0 से शुरुआत कर लूँगी, मैं 0 से शुरुआत कर लूँगी। क्या कभी आप अपनी वीडियो में ऐसा बोल सकते हो? क्योंकि मान लो सच में अगर सब्सक्राइबर ने दिल में बात ले ली और वाकई में 0 हो गया तो फिर क्या होगा? लेकिन उसने ये चीज़ नहीं सोची क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कंट्रोवर्सी, व्यूज़, इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं था, इसीलिए शायद उसने ये बात डंके की चोट पे ओपन प्लेटफॉर्म में बोल दी जो कि उसके फेवर में गई। और उसका जो रिएक्शन था वो जेन्युइन था क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सचिन जी उनको टारगेट कर रहे थे। तो मैं अब कौन से पॉइंट पे
कौन से बेस पे यहाँ पे सचिन जी के लिए स्टैंड लूँ या उनका साथ दूँ, जबकि सचिन जी इस वक्त खुद इतने कंफ्यूज हो गए हैं, खुद नहीं उन्हें पता कि वो कौन से ट्रैक में चले गए हैं। वो एक ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जिस रास्ते पे हम चाहकर भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वरना अगर बस चलता तो हाथ पकड़ के वापस उस ट्रैक से लेके आया जाता और समझाया जाता कि आपने एक लॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया है और आपकी ऑडियंस मजबूर है कि वो आपकी गलतियों में भी हाँ 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 कर रही है, क्योंकि वो और क्या करे। दो लोगों की कॉन्ट्रोवर्सी दो लोगों के बीच में नहीं रहने दी, उसका रीज़न आप हो। आपने तीसरे चौथे पांचवे बंदे को बीच में लाया जिसकी वजह से आज इतना बड़ा मैस क्रिएट हो गया। दो लोगों की लड़ाइयाँ शायद सॉल्व भी हो जाती, लेकिन अब इतने लोगों की लड़ाइयाँ सॉल्व होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मैंने किसी को डिसअपॉइंट किया हो, बट सीरियसली सॉरी कि मुझे सच में कहीं पे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक वीडियो देख के जज नहीं करती, मैं आगे पीछे दाएं बाएं की देखती हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सोर्स या कोई रेफरेंस है जिससे आपको ये लगता है कि सचिन जी ठीक है, मैं रिस्पेक्टफुली और ओपनली आपको बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे प्लीज़ वो पॉइंट्स बताएं विद रेफरेंसेस, ताकि मैं अपने एंड पे उन चीज़ों को चेकआउट कर सकूँ और मैं ले पाऊँ उनके लिए स्टैंड, मैं कहीं पे कह पाऊँ कि नहीं, इस पॉइंट पे सचिन जी सही हैं। आई होप कि वो दिन वो पॉइंट मुझे भी मिले कि मैं स्टैंड लेके बोल पाऊँ जैसे मैं पहले बोला करती थी कि सचिन जी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रही हूँ, मैंने किसी भी वीडियो को मिक्स नहीं किया है, मैं सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रही हूँ। जिस पॉइंट पे जो सही है मैं वो वाली पॉइंट पे बात कर रही हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आपको सचिन जी सही लग रहे हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए भी एक अच्छा सा बढ़िया सा पॉइंट्स के साथ वीडियो बनाऊं। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो उन पे भी बनाऊंगी। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।